देखिए जो मर्जी कर ले के पहला मैच था एक्लिमेटाइज नहीं थी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम, मगर आयरलैंड से मैच हारना ये डिफेंसिबल नहीं है, ये एक्ट डिफेंसिबल नहीं है। और लग रहा है कि बॉडी लैंग्वेज कमजोर है, कॉम्बिनेशंस आपके ट्वीक कर दिए हैं जिससे बेड़ा गर्क हो गया है। अच्छी भरी टीम चल रही थी, कप्तान बदला गया, फिर एक नया कप्तान आया गया, उसको हटा के दोबारा से एक कप्तान अनाउंस किया। वर्ल्ड कप के ईयर में व्हाइट बॉल T20 क्रिकेट आपकी अच्छी भली जा रही थी, पहले से सातवें नंबर पर आप आ गए। तो ये रैंकिंग्स बताती है कि इस टीम का क्या हाल है। और स्किल लेवल चले, हमें पता है कि एक तरह से बैटिंग में लिमिटेड है, बॉलिंग में हमारा स्किल लेवल बहुत अच्छा है, मगर क्योंकि अनसर्टेनिटी है तो बॉलिंग भी बेबस हुई हुई है और बैटिंग जो है वो जब चलती है तो बस इतना ही कर सकती है, क्योंकि सेट बैट्समैन आउट हो जाते हैं, मिडल ऑर्डर आपका फंक्शन नहीं करता है, ओपनिंग कॉम्बिनेशन आपका बना नहीं है, तो कैसे आप वर्ल्ड कप जीतेंगे, कैसे आप सेमीफाइनल तक भी जाएंगे। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें ठीक होनी है। इस वक्त जो थिंक टैंक है, जो आपका कोचिंग स्टाफ है, वो स्ट्रेटजी बनाने में और नंबर्स के ऊपर जो है वो मैच सबों पे जीत रहे हैं, मगर प्रैक्टिकल जो उसका इम्प्लीकेशन है वो नहीं देखते हैं कि कौन खेलेगा 10 एंड ओवर, कितनी देर तक खेलेगा 10 एंड ओवर, कौन हमारे जो है मैच विनर्स हैं, मिडिल ऑर्डर में किस तरह से बैटिंग करनी है। फखर जमान 20 बॉलों में 20 करेंगे और आजकल वो ऐसे ही रहा है, एक मैच में चलते हैं, 3 में ठंडे रहते हैं। इसी तरह से शादाब लेग स्पिन ऐसी टीम के खिलाफ छा जाना चाहिए, क्योंकि ये लेग स्पिनर्स को ट्रेडिशनली ठीक नहीं खेलते, मगर इनकी इंप्रूवमेंट देखें आप अगेंस्ट स्पिन बॉलिंग। और पाकिस्तान की आप देखें कि कहां हाल कैसा हुआ है, यही प्लेयर्स 2-3 साल पहले दुनिया के नंबर 1 रैंक साइड प्लेयर्स थे, आपके सारे ICC अवार्ड जीते थे, तो क्या हुआ है एकदम से कि ये इस तरह से आयरलैंड के खिलाफ खेल गए। वो इसलिए कि बेचैनी है, अनसर्टेनिटी है, आप ट्वीक खाम खास करे जा रहे हैं, पता नहीं आपको क्या अचीव करना है, या तो पीछे खेत तैयार की है ना आपने और बड़ी मेहनत की है इस टीम के साथ, आपको पता है इसकी एबिलिटी कैपेबिलिटी कितनी है, आप चाह रहे हैं ये भारत की तरह खेले या ऑस्ट्रेलिया की तरह खेले या ट्रेविस हेड हम निकाल देंगे। अगर आप कॉम्बिनेशन ठीक नहीं खेलते, अगर मिडिल ऑर्डर में अभी भी खराबियां हैं, अभी भी आपकी बॉलिंग जो है वो लिमिटेड हो जाती है और आपके सुपरस्टार्स जो है उनको मार पड़ती, 9 एंड ओवर बहुत रन होते हैं खासतौर पर आयरलैंड जैसी टीम को करने के लिए, मगर आराम से करा दिए। और क्या विड्थ भी दे रहे हैं, उसके बाद फुल टॉस स्पिनर्स दे रहे हैं, कोई इम्पैक्ट ही नहीं क्रिएट कर सके है, और ऐसे लग रहा है कि बेदिली है एक तरह से। कोई बात नहीं, मैच हार गए, हम फिर से पकड़ लेंगे इनको, हो सकता है सीरीज जीत जाएं, मगर इस तरह के लैप्सेस जो है ना, कभी हॉट कभी कोल्ड ब्लो करना, ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए ठीक नहीं है और सारे प्लेयर्स अंडर प्रेशर आ जाएंगे अगर इस तरह की हमने सीरीज खेली आयरलैंड से और बाद में इंग्लैंड से भी कहीं धुनाई हो गई। मुझे ऐसा लगता है आगे चल के कि US ही ना पाकिस्तान को फंसा ले, क्योंकि उसमें भी एक्सपैट्स कुछ खेल रहे हैं भारत से और पाकिस्तान से। सो थोड़ी सी हिम्मत पकड़नी पड़ेगी, जरा प्लानिंग बेहतर हो और खाम खास से प्रेशर ना क्रिएट करें, नंबर्स गेम में मत पड़े, आप टैलेंट को देखें, उसको परखें और उस हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी बनाएं।